हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू डी स्टडी टेक चैनल में। मैं दिलीप सुथार बहुत आपका स्वागत करता हूँ। ना अगर अभी आज हम लोग है ना कुछ ऐसी एक टॉपिक पर मैं आज ना बात करने वाला हूँ, तो है ना हम लोग आ जाते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। फिलहाल हम कोई भी फालतू यहाँ पर अपना टाइम पास नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट काम की बात। भाई अभी देखिए, अभी है ना मेरा क्या कभी आज का जो क्वेश्चन है, जो बहुत सारे लोग भी पूछते हैं कि जैसे अगर मान लो कि कोई भी आईपीओ है, उसके फर्स्ट डे में मान लो अगर वो आज अगर लिस्टेड हो रहा है, तो उसको है ना उसमें इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, ये बहुत है ना बेसिक क्वेश्चन है। अभी इसका अगर जवाब देखा जाए तो इसका जवाब है ना यस और नो में, दोनों में ही आंसर है। लेकिन ये अभी कैसे हम लोग डिसाइड करें कि अभी सच में उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी ना इस चीज के लिए अभी हम लोग है ना आज ना फॉर एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग आ जाते हैं। तो अभी मेरे पास अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आ जाता हूँ, जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजीज। आज आपको पता होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी ना यहाँ पर ना लिस्टेड हुआ, और ना लिस्टेड होने के बाद ये कि ना न्यूज है ना यहाँ पे, ये मनी कंट्रोल की न्यूज है कि आज जो लिस्टेड हुआ है वो है ना कंपनी की ना 80% है ना प्रीमियम के ऊपर लिस्टिंग हुई है। राइट, अभी ना 80% लिस्टेड हुआ है, तो अभी आप अभी हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। अभी 80% यानी क्या, तो चलो फटाफट आ जाते हैं मेरे वेबसाइट पे। अभी ये डीएस ट्रेडिंग टेक की वेबसाइट है, और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आईपीओ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट की है। तो आप भी चाहिए तो आप है ना डीएस ट्रेडिंग टेक है ना के चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट में अभी देखिए क्या मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ रखी है कि जो प्राइस बैंड था वो कितना 475 से लेकर 500 रुपीज का प्राइस था, और 30 शेयर्स अलॉट हुए थे एक एक ना लॉट साइज में। अभी फिलहाल क्या करना चाहिए नाउ, अभी हम लोग उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं हमें एक नॉलेज पर्पस के भी हम लोग को क्या करना चाहिए। तो अगर है ना ये अभी आप जैसे देख रहे हो, मैं आपके सामने ये पूरा कैंडल्स भी आपके सामने मैं शो कर दे रहा हूँ ना, पहले मार्केट में पहले यहाँ पर है ना इस लेवल के अंदर पहले मार्केट चला, ओके ना, फिर अभी इसके बाद क्या हुआ, फिर है ना इतनी अच्छे से मार्केट ने अप मूवमेंट्स भी दिखाई। अब अप मूवमेंट्स के बाद फिर अब मार्केट में क्या हो रहा है, उसके बाद है ना ये देखो यहाँ पे प्राइस है ना सस्टेन नहीं कर पाया, फिर प्राइस क्या हुआ भाई, सीधा प्राइस है ना नीचे आ गई। इसके बाद वो सेम एक ही प्राइस के अंदर मार्केट साइडवे की तरह चलते रहा, मतलब है ना 1350 रुपए को क्रॉस भी नहीं कर रहा है, और नीचे 1300 को नीचे भी नहीं आ रहा है। तो ये जो दो लेवल जो बने, ये लेवल से ना बहुत स्ट्रांग, मतलब है ना एक तरफ से ना लेवल से ना बने, जिन लोगों का है ना मतलब देखा जाए तो जिन लोगों को अभी गेन हुआ, तो यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए। अभी ये सिचुएशन के अंदर अभी हम लोग अभी अपनी पूरी प्लानिंग्स करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, लेकिन हमारा जो टॉपिक है, तो अभी हम लोग उस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। बाकी ये सारी चीजें अभी हम लोग है ना किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अभी इसके अंदर रुके या ना रुके करके। तो अभी हम लोग आ जाते हैं फटाक से अपने यहाँ पर। अब ना आपको क्या करना चाहिए, मान लो कि भी कोई भी ऐसा अगर आईपीओ है, अगर वो फर्स्ट डे में मान लो कि अभी वो 80% के आसपास है ना, 80% क्या समझ लीजिए कि ना 50% पकड़ लो, कि अगर 50% से अगर प्लस प्लस जा रहा है, तो फिर है ना भले कितनी भी अच्छी पोटेंशियल होगी, एक बार ये डैम श्योर है कि अगर है ना मान लो कि कोई भी अगर है ना प्राइस, अगर किसी भी शेयर का अगर प्राइस जैसे अगर ऐसे ही ऊपर जाता है तो वापस वैसे भी नीचे ही आता है। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ऊपर आई, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर कंसोलिडेट होने लगा इस तरह से। राइट, अभी आपको यह समझ में आ रहा है, तो अभी क्या करना है कि हमें थोड़ा वेट करना है यार। कम से कम मैंने 500 रुपए की चीज अगर अभी 1200-1300 रुपए में खरीदना अच्छा नहीं होगा। इसके लिए वो अभी फर्स्ट डे बेसिस पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे फर्स्ट लोग। लेकिन अभी यहाँ पर भी ये कंडीशन तो अभी हमने लगा दी, मैंने आपको पहले शॉर्ट आंसर में बता दिया कि क्यों नहीं करना चाहिए और यहाँ पर इसके क्या रीजन है। तो आप लोग है ना अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया, नो 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 नो, हम अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। अभी आपको क्या करना है, जो जैसे एक है ना बहुत जैसे इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं, हम म्यूचुअल फंड वाले को पैसे देते हैं, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड पे एक बात याद आई, मैं ना कल दिसंबर है, और दिसंबर से ना फिर मैं अपने ना म्यूचुअल फंड के ना बहुत सारे प्रोग्राम चलाने वाला हूँ मैं एवरीडे बेसिस के ऊपर, या फिर हम लोग है ना उसके अंदर गैप कर कर के भी मैं ना ना डेली बेसिस पे स्मॉल कैप लार्ज कैप कौन से ना लेवल पे हम लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको पूरी सीरीज ला रहा हूँ। अगर आपने चाहते हो कि ये मुझे देखना है, तो अगर आप इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और है ना बेल आइकॉन दबा देना, बिकॉज मेरी वीडियो आप तक पहुंचे आपको पता चले कि भाई मैंने कौन कौन से शेयर ना म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको सजेस्ट किए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
ओके, तो अगर है ना फटाफट है ना वीडियो को अभी इतना अगर अच्छा लगा जो मैंने बताया तो ना लाइक भी कर दो और शेयर कर देना ऐसी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि किसी का भला हो अपनी वजह से तो करना चाहिए। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक पे। नाउ भी है ना हम लोग ने कहा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अभी मान लो कि अभी ना अभी अंदर फिर भी मान लो कि अगर कल शेयर का प्राइस ऊपर चले गया तो कल फिर परसों ऊपर चले गया तो ऐसे के लिए हम लोग है ना एक है ना स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे, वो स्ट्रेटेजीज होगी बाय ऑन डिप। ओके, समझ में आ गया। अभी मान लो कि ना जैसे कि अभी फिलहाल क्या है कि हम लोग है ना मान लो अभी 1350 रुपये का प्राइस है ना यहाँ पर हाई है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि जैसे अभी ना मेरा अगर 1300 को कल भाव आता है, मैं पहले 1300 के ऊपर बाय कर लूंगा। ओके, फिर प्राइस मान लो कि थोड़ा सा और ऊपर गया, एक ही खरीदूंगा दिन में, एक साथ मैं अटेंड नहीं कर दूंगा। मान लो कि मेरे पास अभी ना यहाँ पर जैसे ना मैंने वैसे भी ना कितना 15,000 रुपया चलो ले लेते, क्योंकि 15,000 हम लोग है ना म्यूचुअल फंड के अंदर ऐड करते हैं। 15,000 है तो हम लोग पहले 1300 रुपये फिर हम लोग पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर मान लो कि 1400 रुपया हो गया तो फिर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, फिर थोड़ा सा मान लो कि ना 1500 हुआ तो एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये डेली बेसिस पे कर रहा है, पूरे दिन के अंदर नहीं, तो दिन में एक दो अपने हिसाब से कैपेसिटी से बाय कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ओवर होगा। बट मान लो कि अभी फिर अभी ये प्राइस डायरेक्ट भाई वहां से गिरा हो, प्राइस आ गया डायरेक्ट 1000 रुपये पे, तो फिर यहाँ पर बाय बाय करना, फिर चाहिए तो आप है ना 900 पे बाय करना। इस तरह से अगर आप बाय करोगे तो है ना आपके पास क्वांटिटी भी अच्छी खासी ऐड हो जाएगी और आपके पास है ना जो शेयर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सही हो जाएगा। इसके लिए ना इसको बोलते हैं बाय ऑन डिप बेसिस पे। तो अगर जितना भी अगर प्राइस अगर नीचे जा रही है उस तरह से वापस है ना बाय करो तो ज्यादा दुख भी नहीं होगा और ना खुशी भी ज्यादा नहीं होगी। बिकॉज क्या होगा कि हम लोग ने पहले वैसे भी स्टार्ट में अगर 1300 में बाय किया था, 1400 में बाय किया था, तो ऑब्वियसली वापस नीचे में बाय करोगे थोड़ा सा तो लॉस दिखेगा। बट कोई बात नहीं, आने वाले टाइम के अंदर है ना भाई इसके अंदर लॉन्ग टर्म बने रहोगे तो डैम श्योर बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं। फिलहाल किसी भी शेयर्स के ऊपर कभी कोई कंफर्मेशन नहीं बोल सकते, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, क्योंकि आने वाला टाइम पता नहीं क्या है क्या नहीं हो, फ्यूचर भाई फ्यूचर ही जानता है, तो वो अभी छोड़ो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहो तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, कोई भी एक साथ पैसे नहीं लगाएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको रियलिटी में पसंद है कि हमको फर्स्ट टाइम में आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, तो फिर मेरा कहना है नहीं करो, और जो लोग चाहते हैं उसके बाद करें तो हम लोग बाय ऑन डिप वाला सिस्टम यूज करेंगे। कल से अगर प्राइस नीचे गिरेगी फिर बढ़ेगी। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ना जो लोग अभी अपना प्रॉफिट मान लो कि कुछ लोगों को पता नहीं है, तो वो लोगों अभी लिस्टिंग तो हो चुका, उनको पता चला है भाई मुझे आईपीओ लगा है, तो वो लोग भी अभी अपना प्राइस जो भी है तो वो बेचेंगे, और जैसे 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 सेल्स बढ़ेगी, ओके जैसे जैसे किसी भी शेयर्स के अगर ना सेल बढ़ेगी, ओके जैसे उनका अभी ये ग्रोथ हो गया, अब क्या होगा कि जो प्राइस है वो प्राइस है ना धीरे 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 करके नीचे आ जाएगी। अभी प्राइस ऐसे 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 टुकड़े टुकड़े में तोड़ के नीचे आ जाएगी, तो अपने को है ना इस लेवल में बाय करेंगे, 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 और है ना ऐसा करके हम लोग धीरे 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 अपना बाय करते रहेंगे, तो हमारे पास पूरा दबा के स्टॉक भी जमा हो जाएगा और अपने भाई 15,000 पूरे वसूल हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट ताली बजाओ और है ना लाइक वाइक कर दो यार, और शेयर कर देना सब फ्रेंड लोग के साथ, और ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ, बाय बाय गाइस।